हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चंदन श्रीवास्तव और आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले साल हम 2x2 का रूबिक्स क्यूब का ट्यूटोरियल लेके आए थे, वैसे ही जैसे ही आपने भारी डिमांड करी है तो हम 3x3 का रूबिक्स क्यूब का ट्यूटोरियल लेके आए। और वैसे भी इस समय लॉकडाउन चल रहा है और सब लोग अपने अपने घर में हैं और किसी किसी के पास तो 3x3 रूबिक्स क्यूब भी है बट वो सॉल्व नहीं कर पाते, इसलिए मैं उनका ट्यूटोरियल लेके आया हूँ उनके लिए। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास जैसे कि बहुत सारे रूबिक्स ऑलरेडी सॉल्व पड़े हुए हैं जो कि हमने सॉल्व किए हैं, जैसे कि 9x9 है, 8x8 है, 7x7, 6x6, 5x5, 4x4, 3x3। बट ये बहुत आगे की बात है, अभी हम केवल बिगनर्स रूबिक क्यूब सॉल्व करेंगे क्योंकि 3x3 रूबिक्स क्यूब बिगनर्स होता है। और अगर आप इसको लाइक करेंगे और डिमांड करेंगे तो हम आगे 4x4, 5x5 की भी वीडियो लेके आएंगे। सो हमारे चैनल को लाइक किए, शेयर किए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्यूटोरियल। जैसे कि आप देख सकते हैं 3x3 रूबिक्स क्यूब है, आपको पता है कि ये सेंटर पीस ये वाला है, ये हमारा कॉर्नर पीस है, ये हमारा एच पीस है। तो इसमें 1, 2, 3, 4 एच पीसेज होते हैं, 4 कॉर्नर पीस होते हैं, 1 सेंटर पीस होता है। इसमें सबसे अच्छी बात है कि सेंटर पीस कभी भी नहीं हिलता है। आप देख सकते हैं जैसे कि 2x2 में हिलता था, 3x3 में नहीं हिलता है। और इसमें एक अच्छी बात है कि जब लास्ट वाली लेयर हम सॉल्व करेंगे तो हमें 4 एल्गोरिदम्स यूज़ करनी पड़ेगी। जब जब एल्गोरिदम्स का यूज़ होगा वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी, आप याद भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और ये भी देख लीजिए कि इसमें राइट हैंड पे जो भी एज है, जो भी साइड है, उसको हम आर बोलते हैं, लेफ्ट वाली को लेफ्ट यानी कि एल बोलते हैं, लेफ्ट साइड में जो भी है। सो आर वाले में अगर हम ऊपर की तरफ चलाएंगे क्लॉक वाइज तो ये आर होगा, एंटी क्लॉक चलाएंगे तो आर प्राइम होगा। वैसे ही लेफ्ट में ऊपर की तरफ चलाएंगे तो ये अपोजिट होता है, ये एल प्राइम होगा और ये एल होगा। यू में अपर होता है यू यानी कि यू और यू प्राइम। डी यानी कि डाउन, एकदम डाउन में डी डी प्राइम। और ये फ्रंट, फ्रंट में एफ एफ प्राइम। सो आप देख सकते हैं बस इसमें डी यू एफ आर एल की ही यूज होगा जो कि आगे जाके आपको पता लग जाएगा। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। मेरा फेवरेट कलर रेड है, सो मैं रेड से सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। रेड को अपने लास्ट लेयर में रखूंगा, दिस इज लास्ट लेयर, इसमें 3 लेयर्स होती हैं। और रेड के अपोजिट ऑरेंज है, वाइट के अपोजिट येल्लो है और देख सकते हैं आप ग्रीन के अपोजिट ब्लू है। सो रेड को सॉल्व करना है पहले, तो रेड को सबसे नीचे रखना है, ऑरेंज को ऊपर, अपने आप आ जाएगा वो। और हम देखेंगे कि एच पीसेस लगाने हैं हमें ऑरेंज के पास। सो रेड एच पीसेस हमें यहाँ लगाने हैं। सो रेड एच पीस ढूंढना है। सो ये एक रेड पीस एच पीस है तो इसको हम ऊपर लेके आएंगे। और कोई एच पीस है रेड तो ये इधर लेके जाएंगे। अभी 2 एच पीस रह गए हैं रेड के। सो ये है यहाँ, लेकिन लगाएंगे तो ये नीचे ले जाएगा, तो इसके लिए खाली स्पेस करनी है, यहाँ लेके आना है। और एक और रेड एच पीस बच रहा है जो कि हमें देखना पड़ेगा, यहाँ है। सो हम इसको यहाँ लेके जाएंगे ऐसे, और अब ये यहाँ आ गया, खाली स्पेस करके इसको लेके जाएंगे। सो अब हमारे एच पीस यहाँ लग गए हैं, इसको कलर से कलर मैच करेंगे। जैसे येल्लो से येल्लो मैच हो गया है सेंटर से तो इसको नीचे लेके जाएंगे, वाइट से ब्लू है तो नहीं जाएगा ये, तो वाइट को वाइट पे लेके जाएंगे पहले और इसको नीचे ले जाएंगे। और ग्रीन को ग्रीन पे लेके जाएंगे यहाँ और इसको नीचे लेके जाएंगे। और ब्लू को ब्लू पे लेके जाएंगे और इसको नीचे लेके जाएंगे। सो अब हम नीचे देख सकते हैं हमारे एच पीसेस अपनी जगह पे लग गए हैं, कलर मैच कर रहा है सेंटर से। जरूर ध्यान रखिएगा, कलर मैच नहीं करेगा तो रूबिक्स क्यूब नहीं बनेगा। और अब हमारे केवल कॉर्नर पीस रह गए हैं, तो कॉर्नर पीस के लिए हम वापस ऊपर वाली लेयर पे आ जाएंगे, ऑरेंज वाली पे। अब हम देखेंगे हमें रेड यहाँ चाहिए इस पे, तो हम देख सकते हैं यहाँ भी एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो 3 तो हमारे ऊपर ही आ गए, हम इसको नीचे सीधा लगा सकते हैं। सो हम देख सकते हैं कि अब इसमें रेड के साथ कौन से 2 कलर हैं, एक है ग्रीन और एक है येल्लो। सो ग्रीन और येल्लो है हमारे पास, तो ग्रीन और येल्लो सेंटर के बीच में लेके जाएंगे इसको। सो ग्रीन और येल्लो का सेंटर यहाँ आ गया है, जैसे कि येल्लो है ये ग्रीन है, इसके सेंटर के बीच में आ गया। अब ये देखिए यहाँ से डायरेक्शन दे रहा है इस तरफ, सो हम इसको इस तरफ घुमाएंगे, अपोजिट साइड को ऊपर की तरफ घुमाएंगे, फिर इसको वापस ले जाएंगे जैसे लेके आए थे, और अपोजिट साइड को वापस नीचे लेके जाएंगे। सो आप देख सकते हैं ये अपनी जगह पे लग गया है कॉर्नर पीस। और अब दूसरा कॉर्नर पीस लगाना है, तो अब ये देखते हैं ये कॉर्नर पीस हमें ऑलरेडी मिल गया है, लेकिन हमें इसको व्हाइट और ब्लू के बीच में लेके जाना है सेंटर पीस के, तो व्हाइट और ब्लू के बीच में आ गया। अब ये डायरेक्शन इधर से खुली है तो हम इस तरफ लेके, पहले डायरेक्शन इधर से खुली तो इस तरफ ले गए थे, अब डायरेक्शन इस तरफ खुली तो इस तरफ से लेके जाएंगे, अपोजिट साइड को ऊपर घुमाएंगे, वापस इसको नीचे लेके आएंगे, अपोजिट साइड को नीचे ले आएंगे। अब ये हमारा ये वाला पीस भी लग गया है। अब हमारा कोई पीस रह गया है यहाँ रेड, ये एक बचा हुआ है, तो इसमें यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ व्हाइट है, यहाँ ग्रीन है, तो व्हाइट और ग्रीन को लेके आएंगे। और व्हाइट और ग्रीन में आप देख सकते हैं कि ये बीच में आ गया है, तो इसको यहाँ से खुला है तो ये यहाँ लेके जाएंगे,
अपोजिट साइड को ऊपर लेके आएंगे, इसको नीचे लाएंगे, इसको लेके आएंगे। सो अब कितने कॉर्नर पीस रह गए? अब केवल एक कॉर्नर पीस रह गया जिसमें ये ऊपर है, बट हमें ये चाहिए यहाँ। सो हम इसको यहाँ लाने के लिए वापस इसको ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, ऐसे, और एक कॉर्नर पीस खराब हो गया जो हमारे ऑलरेडी बीच में, उसको वैसे ही लगा लेंगे। और ये पीस हमारा ऑलरेडी यहाँ आ गया। अब ये लेकिन हमारा येल्लो और ब्लू के बीच में है, तो येल्लो और ब्लू के बीच में लेके आए इसको, और इसको लेके आए वापस वैसे ही, ऐसे और ऐसे। अब आप देख सकते हैं हमारी थर्ड लेयर सॉल्व हो गई है, जिसमें सारे सेंटर्स मिल रहे हैं, सारे कॉर्नर पीस और एज पीस मिल रहे हैं। अब हम सेकंड लेयर पे आएंगे। सेकंड लेयर बनाने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम ऊपर जाएंगे, ऊपर हमें देखना कौन सा एच पीस ऐसा है जिसमें कि ऑरेंज नहीं है, वही हमारे यूज का है। जिसमें ऑरेंज है वो हमारे यूज का नहीं है, क्योंकि ऑरेंज में अगर कलर होगा तो वो ऊपर आएगा, हम ना कि बीच में। सो हम कौन सा पीस ऐसा लें जिसमें कि ऑरेंज ना हो, तो हमारा एक पीस ये है और एक पीस ये है, दो पीस हैं। तो पहले हम इन दो पीस को यूज कर लें। तो यहाँ ग्रीन कलर है, आप देखें तो ग्रीन को ग्रीन के सेंटर से मैच करेंगे। आप ये ध्यान रखें कि यहाँ ऊपर इसका येल्लो कलर है, तो येल्लो यहाँ इधर है और इधर व्हाइट है। सो येल्लो को कभी येल्लो की तरफ नहीं लेके जाएंगे, येल्लो को हमेशा अपोजिट लेके जाएंगे। तो ये इसको अपोजिट में लेके गए, अपोजिट साइड को फिर ऊपर घुमाया वैसे ही, फिर इसको नीचे किया और इसको वापस ले आए। सो अब क्या करेंगे, ये हमारा कॉर्नर पीस ऊपर आ गया, रेड को वैसे ही घुमाएंगे, ऊपर लेके आएंगे, वापस लेके जाएंगे यहाँ। सो अब आप देखिए कि ग्रीन और येल्लो पीस अपनी जगह पे लग चुका है। अब दूसरा कोई पीस है हमारे पास, एक वाइट और ब्लू। सो वाइट और ब्लू के लिए हम ब्लू के सेंटर पे लेके आएंगे, वाइट इसके इधर है तो इसको अपोजिट साइड में घुमाएंगे, फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको लेके आएंगे, इसको लेके आएंगे। जो रेड खराब हुआ वो ऑलरेडी बीच में आ गया है वाइट और ब्लू के, तो इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। अब आप देखें वाइट और ब्लू भी पीस अपनी जगह पे आ चुका है। और देखें कौन सा पीस है हमारे पास ऑरेंज के अलावा, ये एक पीस मिल रहा है। सो इसको येल्लो पे लेके जाएंगे, क्योंकि येल्लो कलर है। सो इसके अपोजिट लेके जाएंगे। आप ध्यान रखें जैसे हमने पहले सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं। रेड गलत हो गया है तो रेड को फिर से वैसे लेके जाएंगे, फिर ऐसे लेके आएंगे, इधर से लेके आएंगे। सो आप देख सकते हैं कि मेरी सेकंड लेयर भी सॉल्व हो चुकी है। सो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर अब आई है थर्ड लेयर, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लेयर सॉल्व हो गई। आप कुछ भी करेंगे अगर सही तरीके से करेंगे, ये दोनों लेयर सही रहेंगी, कभी खराब नहीं होंगी। सो अब हमारी ये इंपॉर्टेंट लेयर है, तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें हमें देखना है कि एच पीसेस से सेंटर पीस को मिलाते हुए कोई एल बनना चाहिए। अगर कोई एल नहीं बन रहा है तो भी कोई बात नहीं, हम उसमें एल्गोरिदम लगाएंगे एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम, जो कि आपकी स्क्रीन पे भी आ रही है। और जब वो एल्गोरिदम लगाएंगे तो एल बन जाएगा। अभी फिलहाल हमारी किस्मत अच्छी है, जो हमें एल मिल रहा है, तो हम एल देखेंगे उल्टा एल, ना कि सीधा एल। सीधा एल में नहीं लगाएंगे, उल्टे एल में लगाएंगे। तो उल्टा एल बन रहा है, सो हम इसमें डायरेक्ट एल्गोरिदम लगाएंगे एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम और एफ प्राइम। तो जैसे ही हम ये एल्गोरिदम लगाएंगे, देखिए नीचे अपनी आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, और एक ये लाइन आ गई है। अब ये लाइन हमें चाहिए थी, ये लाइन हमें चाहिए थी, एल के बाद ये लाइन आती है। तो अब हम इसको कैसे भी लगा सकते हैं, ऐसे नहीं लगा सकते, इस लाइन को ऐसे हॉरिजॉन्टल रख के लगा सकते हैं, चाहे ऐसे लगा लिए चाहे ऐसे लगा लिए। तो सेम एल्गोरिदम लगेंगी एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। सो अब हमें एक टी मिल गया है, जो कि हमें लास्ट होता है, जब हमें टी मिल जाता है उसके बाद हम दूसरे एल्गोरिदम यूज करते हैं। सो हमें यही टी चाहिए, सो ये टी मिल गया है। सो अब टी मिलने के बाद हम देख सकते हैं कि टी मिल गया है, उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये कलर हमें मैच कर रहे हैं। वैसे तो इसमें मैच कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ये कलर मैच नहीं करते। जैसे कि अगर मैं लगाऊं आर यू आर प्राइम यू आर यू टू टाइम्स आर प्राइम, अगर आप देखें तो आप देखिए, आप मैंने खराब कर दिया है, टी बना हुआ है लेकिन हमारे कलर मैच नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, अगर येल्लो को मैच कराता हूँ ग्रीन को मैच कराता हूँ तो ये मैच नहीं हो रहा है। तो ये कंडीशन आ जाती है, पहले कंडीशन सही थी, चारों मैच कर रहे थे, बट मैंने खराब कर दिया है और वो वाली कंडीशन ले आया। तो आप देखें कोई भी कलर मैच करेगा, अगर नहीं करेगा तो आप एल्गोरिथम लगा सकते हैं जो स्क्रीन पे आ रही है आर यू आर प्राइम यू आर यू टू टाइम्स आर प्राइम। अभी हम इसमें दो कलर मैच कर रहे हैं, तो दो कलर मैच कर रहे हैं जैसे कि ग्रीन और येल्लो। सो येल्लो को राइट में रखिए, ग्रीन को बैक में रखें, और दोबारा वही एल्गोरिथम लगाते हैं आर यू आर प्राइम यू आर यू टू टाइम्स आर प्राइम। जैसे ही आप ये लगाएंगे आपके सारे एजेस मैच कर जाएंगे कलर, ये जरूरी है ये कलर मैच करना। सो ये कलर मैच कर गया है। अब हमारा तीसरी एल्गोरिथम आएगी, अब हमें देखना है कि कौन सा कलर हमारा कॉर्नर पीस मैच कर रहा है, चाहे वो कहीं भी हो। अब ये देखें, यहाँ ऑरेंज है तो ऑरेंज ठीक है, व्हाइट ठीक है, लेकिन ये ब्लू होना चाहिए, ये ब्लू नहीं है तो ये मैच नहीं करना है कॉर्नर पीस।
ये वाला देखें, ऑरेंज है ठीक है, येलो है ठीक है, भले ऊपर नीचे है वो हम बाद में सही कर देंगे, लेकिन यहाँ ब्लू मैच कर रहा है तो ये भी हमारा गलत है। अब ये देखें हमारा येलो इधर है, ग्रीन नहीं है क्योंकि ग्रीन नहीं होना चाहिए, तो ये एच पीस, ये कॉर्नर पीस भी हमारा गलत जगह पे है, सो कोई बात नहीं। और ये हम देखें यहाँ ग्रीन और ऑरेंज, तो ग्रीन यहाँ है नहीं, ये इसका मतलब है कि हमारे सारे कॉर्नर पीस गलत जगह पे हैं। सो ये बहुत अच्छी बात है कि हमें पहले ही मिल गया है कि सारे कॉर्नर पीस गलत जगह पे हैं। तो अब अगर हमारे सारे कॉर्नर पीस गलत जगह पे हैं तो हम कहीं से भी एल्गोरिथम लगा सकते हैं, जो एल्गोरिथम आपकी स्क्रीन में आ रही है, यू आर यू प्राइम एल प्राइम यू आर प्राइम यू प्राइम एल। सो जैसे ही हम ये एल्गोरिथम लगाएंगे कोई एक कॉर्नर पीस मैच कर जाएगा। सो आप देखिए ये मैच नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें ब्लू है या ग्रीन है। ये आप देखिए ये भी मेरे ख्याल से मैच नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ येल्लो है और यहाँ वाइट है, यहाँ येल्लो है। ये वाला भी मैच नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ ब्लू है यहाँ ग्रीन है, बट ये वाला मैच कर गया है और अपनी जगह पे बिल्कुल सही भी आ गया। ये ग्रीन आ गया, ये येल्लो आ गया और ये ऑरेंज आ गया। सो आप ये मैच कर गए, तीन मैच नहीं कर रहे, तो इसको अपने राइट साइड राइट हैंड पे रखेंगे, अपनी तरफ फ्रंट फेसिंग करेंगे और फिर से वही एल्गोरिथम लगाएंगे, यू आर यू प्राइम एल प्राइम यू आर प्राइम यू प्राइम एल। जैसे ही हम इसको लगाएंगे आप देखते हैं क्या क्या मैच करता है। ये तो अपनी जगह पे है, ये वाला पीस मैच कर गया है, ये पीस भी मैच कर गया है क्योंकि यहाँ ब्लू है यहाँ येल्लो है और यहाँ ऑरेंज है, और ये भी मैच कर गया। लेकिन हमें ऑरेंज यहाँ लाना है, ब्लू यहाँ लाना है, यहाँ लाना। सो सबसे अच्छी बात है आप मैच कर गए, दो पीस मैच करके अपनी जगह पे सही है, बाकी सब कुछ ठीक है क्यूब में। और अब केवल ये लगाएंगे, इस पे हम इसको फ्रंट फेसिंग रखेंगे, इस वाले को जो पहले जिसको सॉल्व करना है इसको करना है तो इसको रखें, इसको करना है तो ऐसे रखें, जिसको रखना है उसको राइट हैंड फ्रंट फेसिंग पे रखेंगे। और लास्ट एल्गोरिथम आर प्राइम डी प्राइम आर डी, जो कि आपने 2x2 में भी सीखी थी। सो वॉट बहुत ही आसान है, जब तक हम आर प्राइम डी प्राइम आर डी लगाएंगे जब तक हमारा ये ऑरेंज पीस ऊपर नहीं आ जाता। सो फिर स्टार्ट करते हैं, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, फिर से लगाएंगे आर प्राइम डी प्राइम आर डी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये ऊपर आ गया है, हमें एल्गोरिथम रोक देनी है, लेकिन ये पीस अपनी जगह से ही आ गया, नीचे खराब हो गया, आप उसकी टेंशन मत लें। अब जो पीस खराब है उसको अपने राइट हैंड पे ऐसे घुमा के लाएं, ना कि क्यूब को घुमाएं, केवल ऊपर वाली लेयर को, और फिर से वही लगाएं आर प्राइम डी प्राइम आर डी, तब तक लगानी जब तक ऑरेंज ऊपर ना आ जाए, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, अभी भी नहीं आया, आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी। अब ये देखिए आपका ये रूबिक्स क्यूब सॉल्व हो गया है, इसको देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छे तरीके से। सारी एल्गोरिथम आपकी स्क्रीन पर जाएंगे। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू वेरी मच।